हेलो दोस्तों, मैं हूं। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि सीरियल पटियाला वेव्स में हो चुकी है मिसेस नील ओबेरॉय की एंट्री। लेकिन दोस्तों दिल्ली के बाद जहां से पटियाला से स्टोरी सीधे चलकर दिल्ली जा चुकी थी, अब वहां से वापस पटियाला आने वाली है और सीधे पटियाला रेस्टोरेंट की ओर जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों बता दूं कि जहां पर जो नील है वह मिनी को कुछ अपने सच बताने के लिए दिल्ली ले गया था और उसे लग रहा था कि ये सब सच जानने के बाद सारी सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ जाएगी, मिनी जो है उसके पास के बारे में जान जाएगी और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बता दूं कि आने वाला एपिसोड में जो सिचुएशन है वह बिगड़ते हुए नजर आने वाली है। क्योंकि दोस्तों जहां पर मिनी को सारा सच तो लगभग पता चल चुका है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या था वह अभी तक उसे नहीं पता चला है। लेकिन दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी अब नैन बी के हाथों में लगने वाली है आने वाले एपिसोड में, जब वह नील का लिखा जो लेटर था जो वह मिनी को भेजना चाहता था लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले रद्दी वाला ले जाता है, वह अब नैन बी के हाथ में लगने वाला है। और उसके बाद कई सारे ऐसे खुलासे होने वाले हैं जिसके बाद नैन बी का जो किरदार है वह थोड़ा सा बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों बता दूं कि पटियाला वेब्स रेस्टोरेंट में अब कहानी जाने वाली है, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है इस तस्वीर को देखकर। दोस्तों तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नील ओबेरॉय फिर से हमें एक बार शेफ की ड्रेस में नजर आ रहा है, यानी फिर से पटियाला वेब्स रेस्टोरेंट में वे जाने वाला है और वापस स्टोरी वहीं पर पहुंचने वाली है। लेकिन दोस्तों इसी साथ इस तस्वीर में हमने देखा कि किस टाइप से मिसेज नील ओबेरॉय का जो किरदार निभा रही हैं वो भी इस फोटो में हमें देखने को नजर आ रही है, यानी जो किरदार है मिसेज नील ओबेरॉय का वे सीरियल में अब आगे चलकर भी हमें नजर आने वाला है। और वहीं पे दोस्तों सीरियल की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब हनुमान सिंह की हवेली में सारे किरदार हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों नील ओबेरॉय जो है वह दिल्ली में नहीं रहना चाहता है, अब वह पटियाला बेस्ड रेस्टोरेंट को ही अपना असली बिजनेस और वहीं पे हनुमान सिंह की हवेली को ही अपना असली घर जो मान चुका है। लेकिन दोस्तों वह सब चीजें जो छोड़ चुका है, लेकिन नील ओबेरॉय के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो उसकी बेटी दिखाई गई लास्ट एपिसोड में, उसको वह काफी ज्यादा प्यार करता है, उसे छोड़ना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण उसका डायवोर्स नहीं हो पा रहा है। तो उसे ऐसे में दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार पूरा सच क्या है नील ओबेरॉय के अतीत का सच का। क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि नील ओबेरॉय ने शादी की, लेकिन वह किस कारण की, ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सीरियल के अंदर। और इन सब सिचुएशन में मिनी किस तरह से प्रभावित होती है, मिनी किस तरह से इफेक्ट होती है, हमें देखना काफी इंटरेस्टिंग का। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस पूरे सच को जानने के बाद क्या मिनी माफ कर पाएगी नील ओबेरॉय को? दोस्तों कमेंट में बताइए कि जिस चैनल को सब्सक्राइब किया गया, ऐसे और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगले वीडियो में फिर से रखूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।